चले छोटी चले बड़ी। अबे ओ छोटी की बच्ची साइड में हो, मुझे तैयार होने दे। अबे ओ तू साइड में हो, मैं आऊंगी तैयार। तेरे दिमाग में घुस नहीं रहा, भूसा है क्या? साइड में हो। अबे तू साइड में हो, निकल। छोटी की बच्ची इधर देख, तेरे कान में जूनी रेख दी क्या? तेरे कान में मारूंगी रैपटा। ये बोलो ना मुझे तैयार होने दे, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कंजक के लिए जाना है। अबे तू तो इतनी बड़ी और मोटी हो गई है, तुझे तो कोई कंजक में बुलाने भी नहीं वाला। मैं तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी हूँ, मुझे बुलाएंगे सब लोग। बहुत देर से सुन रही मैं तेरी बकवास, अब कुछ ज्यादा हो गया, तूने मेरा आपा खो दिया, मेरा हाल बेहाल कर देती हूँ। अरे ये क्या कर रही है? छोड़ मुझे। जा जा कैसे जाएगी कंजक। अबे ये क्या कर रही है? छोड़ मुझे, मोटी रहेगी भैंस। तूने ये क्या कर दिया? मेरे बाल खराब कर दिए। रुक अभी तुझे बताती हूँ मैं। मम्मी मम्मी देखो ना, बड़ी ने मेरे बाल खराब कर दिए मम्मी। हाय हाय, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? और ये कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अरे मम्मी आपको क्या पता, आज कंजक है, कंजक को हमारे दोस्तों के साथ बनाने जा रहे हैं। अच्छा कंजक पे जाओगी सुबह 5 बजे? तुम्हें कौन कंजक पे बुला रहा भाई? अरे मम्मी कोई हमें कंजक पे बुलाया है ना बुलाया, पर हम सारे बच्चों ने 5 बजे सुबह पार्क में मीटिंग बिठाई है, वो भी कंजक की। अरे मम्मी अरे घूर की रही हो, तैयार करो हमें। हाँ मम्मी तैयार करो यार। ठीक है मेरी दादी माओ, आओ चलो तुम्हें तैयार करती हूँ। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, ये जो तुम जा रही हो ना बड़े मजे से, और आओगी वो पूड़ियाँ लेके, तो तुम ही दोनों को खानी पड़ेगी, ये तो पड़ी रहेगी 3 दिन तक। अरे मम्मी तेरा सेल पे जो भी हम पूड़ियाँ लाएंगे ना, उठानी ना आप ही खा जाना ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप खाना बनाने में ना आलस करती है। छोटी बड़ी एक बात बता, आज अष्टमी है या नौमी है? यार मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि आज अष्टमी है। तो यार हमारे अष्टमी में इतनी सारी कंजक होती है गली में, तो आज कोई बुलाने क्यों नहीं आ रहा? ये तो हद हो गई। सही कह रही है। प्लेट लेके घूम रहे इधर से उधर। ए बड़ी देखिए अनार कली कहाँ से आ रहा है? हाय गर्ल्स। हाँ हाँ हाय भाई, एक बात बता यार, तू इतना सारा कंजक का सामान लाया कहाँ से? ये टिफिन बॉक्स ये कहाँ से मिला? दिख नहीं रहा क्या? मैं कंजक से आ रहा हूँ। ये टिफिन मेरे को सीमा आंटी ने दिया, और ये प्लेट मेरे को पूजा आंटी ने दी, और सुमन आंटी ने मेरे को 20 रुपए दिए हैं। क्या बात है, तेरे तो मजे हैं। आंटी ने तुझे इतनी जगह बुलाया, तू इतनी जगह कंजक होके भी आ गया। छोटी हमें तो किसी ने बुलाया नहीं कंजक पे आज। मुझे लगता है तुम दोनों में से किसी को बुलाया नहीं है कंजक में। बिचारी बेचारा होगा तू, हमें कोई कंजक पे बुलाए ना बुलाए, पैसे और प्लेट हमें तो वो ऐसे ही मिल जाते हैं। और नहीं तो क्या? क्या सच में मैं वैसे ही सबके घर घर जाके मेहनत कर रहा था? और नहीं तो क्या, और वैसे भी तेरी गलती नहीं है, तुझे क्या लगता है लोग तुझे क्यों लेके गए हैं? क्योंकि तू तो दिखने में गोलू मोलू, तेरे बाल भी लड़के की तरह लंबे हैं, तो तुझे लड़की समझ के बोली आंटी तुझे ले गई होंगी। तुम दोनों हमेशा मेरा मजाक बनाते हो, अब तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, कट्टी। जा 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 जा। मजा आ गया। टेन ट्वेंटी थर्टी। तुम्हें ये सारे पैसे कहाँ से मिले? कंजका से मिले हैं? और नहीं तो क्या भाई, कंजक से मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे? हाँ कंजक से ही मिले हैं हमें तो ये पैसे। मुझे तो बस 2-4 रुपए ही मिले हैं। मैं जिस जिस के भी घर जाता हूँ, आंटियाँ मेरे को 2-4 रुपए दे के ही भगा देती हैं। अबे यार अब मैं भी तुझे कैसे समझाऊँ, तू बस बुरा मत मानियो ठीक है। अब देख तू लंगूर है और हम छोटी सी प्यारी सी कन्या है, और तुझे इसलिए कम पैसे मिलते हैं क्योंकि तू लड़का है और लंगूर भी है, और हम तो कन्या है इसलिए हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं और तुझे कम मिलते हैं। आंटियों के घर 2-2 घंटे पूरी खा के बस 2-4 रुपए मिले, ये तो हद हो गई। शुक्र मान आंटी ने तुझे 2-4 रुपए दे दिए, कोई हम जैसी हो ना तो 2-4 रुपए तुझसे छीन ही ले। पैसा ही पैसा। पैसों की बारिश।
तो दोनों महारानियां यहाँ बैठी हो। क्या कहा था मैंने, जाके कन्या ढूंढ के लाओ, और यहाँ बैठ के क्या कर रही हो तुम? यार मम्मी कन्या ढूंढने निकले थे, पर कन्या देखो कहीं ना कहीं बिजी है। कोई शिल्पी आंटी के घर, कोई बबीता आंटी के घर, कोई किरण आंटी के घर, कहीं ना कहीं बिजी है सब। अरे मम्मी अब सारी लड़कियां बिजी है, अब ले देखे ये लंगूर ही मिला, अब इसी ले जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा, ये भी बिजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चाहिए तो कन्या थी, पर इस लंगूर से काम चला लेंगे। इसे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ले देखे कोई बचा भी तो नहीं। चल बे भाई, हमारे घर में तुझे 2-4 रुपए और मिल जाएंगे। चलो चलो। जा अच्छे से पता ही हेयरबैंड तुझे ही चाहिए, और लड़की बनने का बहुत शौक है ना, एक काम कर ये चिमटिया भी तेरी लगा ले। अरे वाह, अब लग रहा है एक नंबर की अनार करी। तुम दोनों हमेशा ही मेरा ऐसे मजाक बनाते हो, अब तो मैं तुम्हारे कंजूका में नहीं आऊंगा। ओए मां, अरे बेटा मजाक कर रहे हैं। बेटा कहां जा रहे हो मजाक? तुम दोनों ने ना मेरी नाक में दम करके रखा है, एक लंगूर आया था उसको भी भगा दिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे ये झूठी पूड़ी कहाँ से आई? मैंने तो एक भी टुकड़ा नहीं तोड़ा। ए दुनिया उठ पटांगा, किते हाथ ते किते टांगा, रत कपड़ी देंदी पांगा, मैं ते चक दे पट्टे। ए दुनिया खेल तमाशा, ए टेढ़ी मेढ़ी भाषा। एक और पूड़ी, ये हो क्या रहा है? पक्का ना उन दोनों के ही काम होंगे। चल बड़ी, तो मेरी पूरी रख कर आप। एक कान के नीचे रखूंगी। मैं भी रखूं तेरी पूरी? एक काम कर, तू अपनी पूरी रख कर आएगी ना, तो मेरी भी रखा। क्यों, मैं भी रखूं तेरी? तू रखेगी? अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम लड़ते नहीं है, जिसकी जो पूरी है वो अपनी अपनी रखेंगे। ठीक है फिर, ऐसा है तो पिटेंगे तो साथ ही पिट लेंगे। अच्छा तो ये तुम दोनों कर रही हो? क्या बोला था मैंने, जितनी भी पूड़ियाँ आएंगी तुम दोनों ही खाओगी, ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी अगर हम इतनी सारी पूड़ियाँ खा लेंगे तो हमारा पेट फट नहीं जाएगा, थोड़ी बहुत आप भी खा लो यार। अब मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, अब नहीं जा पाओगे तुम लोग। ढोलक तेरी को। शाबाश ढोलक। शुक्रिया मम्मी। इन दोनों को तो बाहर लेके चलते हैं, बाहर बताओ। तुम दोनों को बोला था ना, जितनी भी पूड़ियाँ लाओगी तुम ही दोनों खाओगी। अरे मम्मी हमने पहले भी पूड़ियाँ खा रखी है और अब भी खाएंगे, और इतनी सारी है, अगर हम इतनी सारी पूड़ियाँ खा लेंगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा कहीं, थोड़ी सी आप भी खा लो। और नहीं तो क्या मम्मी? अच्छा आप ही खा लो ना, एक कान के नीचे मारूंगी। चुपचाप से सारी पूड़ियाँ खत्म कर दो तुम दोनों। ढोलक इन पे ना नजर रखियो, ये सारी पूड़ियाँ खाए, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं इन दोनों पे ध्यान रखूंगा कि ये पूरी खा रहे हैं या नहीं खा रहे। शाबाश, जब तक मैं वापस आऊँ ना सारी पूड़ियाँ खत्म हो जाना चाहिए। ढोलक मैं तुम दोनों की बातों में नहीं आने वाला। अबे ओ, पहले सुन तो ले। हाँ बोल। सुन, अगर तूने सारी पूरी खा ली ना तो हम तुझे फ्रूट देंगे जो कि हमें कंजक से मिली है। सच्ची? तुम मेरा पागल तो नहीं बना रहे? अबे ओ, पागल को पागल बनाया जाता है क्या? मतलब? अरे नहीं नहीं, हम तुझे पागल कैसे बना सकते हैं, तू तो इतना समझदार है, देख ले अभी भी मौका है, अगर तूने सारी पूरी खा ली तो तुझे फ्रूट ही मिल सकती है। सच्ची? मच्ची। दो फिर। खा फिर।
ढोलक, तू ये सारी पूड़ियाँ क्यों खा रहा है? मम्मी मेरे को भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने पूड़ी खा ली है। और क्या मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने ये कहा था ना कि पूरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे हम दोनों का है चाहे ढोलक का है। ये भी ठीक है। मैंने सारी खाली पूड़ी, अब लाओ मेरी फ्रूटी। हाँ दे रहे दे रहे दे रहे, ये ले तेरा ही ना। अब ये तो खाली है, क्योंकि ये हम पहले पी चुके हैं। बुद्धू बन गया। तो कैसे सबको कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। वीडियो को प्लीज फैला दो, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और आप सबको हैप्पी नवरात्रि, और मिलते हैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।